तो नमस्कार एक बार फिर से और बड़ी अपडेट के साथ खबरों की शुरुआत करते हैं। रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह से राहुल गांधी का रायबरेली में मुकाबला होगा। तो अमेठी से केएल शर्मा को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। केएल का बीजेपी की स्मृति ईरानी से सीधा मुकाबला होगा। तो आज दोपहर 12 बजे राहुल गांधी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उनके नामांकन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी मौजूद रहेंगी। 7 मई को तीसरे फेज का चुनाव होना है। तो 12 राज्यों की 95 सीटों पर चुनाव है और रायबरेली की अब लड़ाई अब और तेज हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार कल देर शाम तक, रात तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अमेठी रायबरेली से चुनाव मैदान में उतरेंगी। लेकिन अब सब कुछ साफ हो चुका है। रायबरेली से राहुल गांधी कांग्रेस के प्रत्याशी रहेंगे। तो वहीं केएल शर्मा को अमेठी से स्मृति ईरानी के खिलाफ कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। तो देखिए बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। हालांकि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने को अब तैयार नहीं हुई है। पहले दोनों की चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही थी। तो रायबरेली अमेठी सीट पर नामांकन का आज आखिरी दिन है और आज राहुल गांधी अपना नामांकन करने के लिए पहुंचेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े सवाल अब खड़े हो रहे हैं कि अमेठी आखिर राहुल गांधी ने क्यों छोड़ दी, क्योंकि राहुल गांधी अमेठी से कई चुनाव जीते हैं। हालांकि 2019 का चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तो देखिए बीजेपी ने 2 महीने पहले ही अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था। स्मृति ईरानी को अमेठी से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है और लगातार स्मृति ईरानी अमेठी में चुनाव प्रचार कर रही हैं, जबकि राहुल गांधी अभी तक एक बार भी अमेठी नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में अमेठी से राहुल को जीतने में मुश्किलें हो सकती थी। तो अमेठी से राहुल गांधी को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए उनकी सीट बदल दी गई है। तो बीजेपी पहले से ही पूरी अपनी तैयारी में थी। चलिए देखिए रणनीति भी थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर रायबरेली की पूरी रणनीति क्या है, किस तरह की रणनीति पर अब बीजेपी कांग्रेस रायबरेली में देखने को मिलेंगे। तो देखिए अमेठी से राहुल गांधी को कोई परेशानी नहीं होगी और यही वजह है बीजेपी से परेशानी नहीं होगी। और स्मृति ईरानी को अमेठी से प्रत्याशी पहले ही बना दिया था क्योंकि और वो लगातार वहाँ पर सक्रिय थी। तो इस वजह से थोड़ा सा कांग्रेस को ये लग रहा था कि यहाँ से राहुल गांधी को परेशानी हो सकती है और राहुल गांधी क्योंकि वहाँ एक बार भी अमेठी पहुँचे नहीं थे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि रायबरेली से सीट को इसलिए चुना गया क्योंकि सोनिया गांधी वहाँ पर पहले से ही जीतती आ रही थी। हालांकि इस बार राज्यसभा उनको पहुँचा दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब राहुल गांधी को वो सीट थोड़ी सी सहूलियत भरी लग रही थी और यही वजह है कि कांग्रेस ने राहुल गांधी को वहां से मैदान में उतार दिया है। और चलिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र राजपूत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी, लगातार अमेठी और रायबरेली को लेकर ये कहा जा रहा था कि क्या प्रियंका गांधी, राहुल गांधी यहां से चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। राहुल गांधी का तो स्पष्ट हो चुका है, हालांकि प्रियंका गांधी का नाम अब तक सामने नहीं आया है और दूसरा प्रत्याशी अमेठी से कांग्रेस ने उतार दिया है। किस तरह से ये रणनीति तैयार की गई है, क्या इस जिस तरह से सीट राहुल गांधी की बदली गई है, क्या कांग्रेस की कोई प्लानिंग है? देखिए दिनेश, इसको रणनीति या सरप्राइज कहने से ज़्यादा मैं इसको डर कहना पसंद करूंगा। ये कांग्रेस का डर है जो अमेठी सीट छोड़ी गई है, क्योंकि अमेठी में पिछले 5 साल से राहुल ने कोई ध्यान नहीं दिया और वहाँ भी गए भी नहीं, जबकि स्मृति ईरानी 5 साल से वहाँ काम कर रही है लगातार और बीजेपी ने 2 महीने पहले ही उनका नाम घोषित कर दिया था। तो कांग्रेस का डर ये था कि अमेठी में अगर राहुल उतरते हैं तो उनको काफ़ी दिक्कत होगी और ये तय भी था। तो सवाल ये उठा कि आखिर राहुल गांधी को, क्योंकि उत्तर भारत वो छोड़ भी नहीं सकती थी, कांग्रेस गांधी परिवार का कोई ना कोई सदस्य लड़ता, तो जगह बसती है रायबरेली। तो रायबरेली में चांस अच्छे हैं क्योंकि 20 में से 17 चुनाव कांग्रेस वहाँ जीती है और वहाँ ऐसे गांधी परिवार के खिलाफ कोई गुस्सा भी नहीं है, तो राहुल के लिए ज़्यादा सेफ सीट रायबरेली मानी गई। अब सवाल उठता है प्रियंका गांधी का, क्योंकि ये कहा जा रहा था सोनिया गांधी की उत्तराधिकारी प्रियंका गांधी होगी और वो रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन प्रियंका गांधी अगर रायबरेली से चुनाव लड़ती तो एक बहुत बड़ा मुद्दा बीजेपी के हाथ लगता, वो था परिवारवाद का। तो कांग्रेस को ये भी डर था, तो इसलिए प्रियंका गांधी ने अपना नाम आगे नहीं बढ़ाया और उन्होंने कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती क्योंकि
उनको काफ़ी काम है, पूरे देश में वो प्रचार में जा रही हैं। तो ये फैसला कांग्रेस की डर के वजह से लिया गया। पहला तो अमेठी से राहुल गांधी के चांस कम थे, दूसरा रायबरेली से अगर प्रियंका उतरती तो परिवारवाद का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बनता। तो ये दोनों फैसले देखते हुए फिर राहुल गांधी को तय किया गया कि रायबरेली से चुनाव लड़ाया जाए। हाँ, उपचुनाव चूंकि दो जगह से अब राहुल प्रत्याशी हैं, वायनाड से और रायबरेली से, तो दो में से एक सीट अगर वो छोड़ेंगे, अगर वो दोनों जगह से जीतते हैं तो फिर प्रियंका गांधी रायबरेली से या वायनाड से चुनाव लड़ सकती है। तो पूरी रणनीति मैं कहूँगा कि कांग्रेस की रणनीति नहीं है, मजबूरी का फैसला है, क्योंकि अगर अमेठी से राहुल गांधी के लिए चांस कम थे तो पूरे, अगर हम पूरे सिनारियो को देखें और पूरे इस रणनीति को जिसको कहा जा रहा है देखें तो ये कांग्रेस का डर ज़्यादा है। जी दिनेश, तो क्या चैलेंज ये अब समझा जाए कि जिस तरह से रायबरेली सीट है, अगर दोनों जगह से राहुल गांधी चुनाव जीतते हैं तो यहाँ उपचुनाव में प्रियंका गांधी मैदान में आ सकती हैं? सुनेंगे कि फिर राहुल और प्रियंका दोनों सांसद में पहुंचेंगे। और एक सबसे बड़ा सवाल है कि उत्तर भारत को लेकर कांग्रेस बहुत कंफ्यूज है, क्योंकि उसने पूरा ध्यान अपना दक्षिण भारत के राज्यों में लगाया और उत्तर भारत की पट्टी में उसने ऐसा मान ही लिया कि बीजेपी बहुत मजबूत है, चाहे फिर वो राम मंदिर के आंदोलन की वजह से हो या दूसरी वजह से हो। तो ये कांग्रेस का ये भी डर था, लेकिन अब जब चूंकि दो चरणों के बाद स्थितियाँ बदली है और उत्तर भारत के या कहें उत्तर प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ता चाहते थे कि कोई ना कोई गांधी परिवार का सदस्य जरूर लड़े उत्तर भारत से चुनाव, खासतौर से उत्तर प्रदेश से, नहीं तो मैसेज गलत जाएगा। तो ये लगातार प्रेशर था और फिर अंत में ये फैसला लिया गया। हाँ, अमेठी तो एक तरह से बाकोबर दिया है कांग्रेस ने, ये तय है, लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश में एक सीट पर अगर गांधी परिवार का सदस्य, तो ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मनोबल पर अच्छा असर पड़ेगा, क्योंकि अगर पूरा खाली छोड़ा जाता गांधी की, ये इतिहास में पहली बार होता जब गांधी परिवार का कोई भी सदस्य उत्तर प्रदेश से नहीं लड़ता, तो भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की उम्मीदों पर काफ़ी नाउम्मीदी होती और जो रही के सही कसर है, जो उम्मीद है वो भी उत्तर भारत में खत्म होती या उत्तर प्रदेश में खत्म होती। जी, लेकिन जिस तरह से अब देखा जाए कि राहुल गांधी अमेठी के बजाय वायनाड भी पहुंचे थे चुनाव लड़ने और उन पर लगातार बीजेपी निशाना साधती रही थी कि राहुल गांधी यहाँ से भाग खड़े हुए हैं और इस बार फिर कोई भी गांधी परिवार का सदस्य अमेठी में नहीं है, क्या बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा बना सकती है? देखिए, मुद्दा जरूर बनाएगी, लेकिन एक बात है कि रायबरेली से राहुल गांधी है तो उतना बड़ा मुद्दा अब ये नहीं बनेगा। हाँ, अगर पूरा खाली छोड़ते तो ये जरूर बड़ा मुद्दा बनता। और दूसरा, मैं सबसे बड़ी बात जो कह रहा हूँ कि प्रियंका गांधी के इसमें बीच का रास्ता निकाला है कांग्रेस ने, कह सकते हैं कि राहुल मतलब गांधी परिवार का एक सदस्य उत्तर भारत से भी है भी और परिवारवाद का मुद्दा भी नहीं बनेगा। हाँ, ये अमेठी में जरूर मुद्दा, अमेठी के थ्रू पूरे देश में मुद्दा बनाया जाएगा कि केएल शर्मा को जिस तरह से उतारा गया है, बीजेपी ये जरूर कहेगी कि किसी, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में सीधे सीधे नहीं है और गांधी परिवार के नज़दीकी है, उनके मैनेजमेंट का काम देखते हैं, तो अगर उनको वहाँ से चुनाव लड़ाया जा रहा तो बीजेपी के हाथ में ये मुद्दा जरूर लगा है कि परिवारवाद का मुद्दा वो इस तरह से उठाएगी कि गांधी परिवार का के सदस्य के सदस्यों को सबसे नज़दीकी है उसको टिकट दिया गया, ना कि उसको दिया गया जो राजनीति में सक्रिय है या कांग्रेस का काम कर रहा था। जी, चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। तो देखिए, अब ये लगातार जो पहली बनी हुई थी कि कौन चुनावी मैदान में उतरने जा रहा है, रायबरेली से, अमेठी से, गांधी परिवार का कौन सदस्य होगा, तो राहुल गांधी अब रायबरेली से चुनावी मैदान में नजर आएंगे। तो वहीं आपको बता दें कि केएल शर्मा को अमेठी से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है।